iQOO 95G, दोस्तों 9090 वाला नहीं, 90 वाला 90, तो iQOO 95G ये जो स्मार्टफोन है वो Amazon पर लिस्ट हो चुका है और विद इन 10 और 12 डेज ये जो है अपने इंडिया के अंदर लॉन्च हो जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली जो iQOO के डिवाइस आते हैं, आपको भी पता होगा इन सारे फ़ोन के अंदर आपको 800 सीरीज के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, स्नैपड्रैगन 865 प्लस, ऐसे मतलब फ्लैगशिप लेवल के आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं। और iQOO के जितने भी स्मार्टफोन अभी तक लॉन्च हुए हैं वो सारे बनते हैं गेमिंग के पर्पज़ पे स्पेशली, तो यहाँ पे काम किया जाता है गेमिंग को लेकर के। तो यहाँ पे दोस्तों एक नया स्मार्टफोन निकल के आ रहा है iQOO 95G, जो कि एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो दोस्तों इस डिवाइस का प्रोसेसर, इसकी फास्ट चार्जिंग, बिल्ड क्वालिटी, इसकी डिजाइन, लुक वगैरह हमको पता चल चुका है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं इसी डिवाइस के बारे में बात करने वाला हूं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कुछ जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अब बात करते हैं iQOO 95G की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि प्रोसेसर के बारे में। तो यहां पे आपको डुअल प्रोसेसर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, यहां पे जो फोन के अंदर दो प्रोसेसर आपको देखने को मिलने वाले हैं, एक प्रोसेसर यहां पे स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाला देखने को मिलने वाला है और दूसरा प्रोसेसर V1 चिपसेट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये V1 चिपसेट क्या चीज है। बेसिकली V1 चिपसेट जो है वो आपकी इमेज क्वालिटी को ओवरऑल एनहेंस कर देता है। अगर आप नाइट में फोटोशूट करते हो तो यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है नाइट फोटोशूट का। तो जैसे ही आप रात में फोटोशूट करोगे तो आपको ऐसा करके कन्वर्ट करके दिखाएगा जैसे कि वो दिन की फोटो है, बिल्कुल ब्राइट कर देगा और सारी चीज जो है मैक्सिमम चीजें जो है विजिबल हो जाएगी। चाहे आप जाओगे आपकी आंखें नहीं देख पा रही उस चीज को, बट आपका कैमरा देख करके आपको स्कैन करके दिखा दे। जहां तक बात करें इस डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं आपको दो कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाला है अपने इंडिया के अंदर, एक सिंपल ब्लैक होने वाला है और एक डिवाइस के अंदर आपको तीन स्ट्रिप्स ही कुछ देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको फ्रंट और बैक के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है। ऐसा माना जा रहा है इस डिवाइस के अंदर आपको हायर रिफ्रेश रेट, साथ में हायर टच रेस्पॉन्स रेट देखने को मिलने वाली है, पर एमोलेड होने वाली है। और वहीं बात करूँ डिस्प्ले की साइज की, तो यहाँ पे आपको 6.55 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। तो इस डिवाइस के अंदर आता है एकदम लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर, तो इसका मतलब जो इसकी प्राइस है थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है। आप देखना ये है कि इसकी प्राइस अंडर 30,000 रुपए आती है या 40,000 रुपए आती है। अगर दोस्तों इसकी प्राइस अगर 30 से 35,000 रुपए के अंदर आती है तो मैं बोलना चाहूंगा ये बहुत अच्छा ऑफर रहेगा सब लोगों के लिए, जिन लोगों को गेमिंग करनी है या जिन लोगों की स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं, जिनको फास्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए। आप खुद इमेजिन कर सकते हो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 क्या कमाल क्या परफॉर्मेंस आपको दे देगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो। अगर थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ जानना हो तो कमेंट करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।